अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूं फट्टे शट्टे लगाने वाला, और वो मैंने ऑलमोस्ट काम क्लियर कर लिया है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि यहां पर इस वाली साइड पर और सेकेंड साइड मैंने आपको बताई थी ये वाली, तो यहाँ पर मैं फट्टे लगा कर और इसको मैं कवर करने वाला हूँ। और फाइनली मैंने ये काम कम्प्लीट कर लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से हॉरिजेंटल में मैंने यहाँ पर ये वाले फट्टे लगाए हैं, और इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि 1.5 से 2 फुट का वाया मैं दूंगा और वहाँ पर मैं जाली लगाऊंगा ताकि यहाँ से वेंटिलेशन हवा वगैरह आती रहे। एडिशनल मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर पर्दे भी लगा दिए हैं, पर्दे लगाए हैं मैंने यहाँ पर शटरिंग की तार के साथ। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही हो तार शार, तो ये मैंने शटरिंग की तार के साथ पर्दा लगा दिया है, और सुबह के टाइम ये पर्दा बिल्कुल यहाँ तक बंद हो जाता है ताकि यहाँ पर धूप ना आए सीधी अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था सूरज का रुख यही है, यहीं से सूरज तुलू होता है और तकरीबन 10-11 बजे तक जो है वो सूरज बिल्कुल सामने रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ये एडिशनल पर्दे लगा दिए हैं, यहाँ पर भी पर्दा लगाया है और इसके साथ मैंने यहाँ पर भी पर्दा लगाया है। तो ये दोनों पर्दे क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ मिल जाता है और यहाँ से यहाँ मिल जाता है, पूरा बंद हो जाता है। उसके बाद हमें जब हवा चाहिए होती है यहाँ पर, जब थोड़ी हफ्सा हो जाता है, तो फिर यहाँ पर 11-12 बजे के करीब यहाँ से पर्दे हटा दिए जाते हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से खुला माहौल हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर इस वक्त बहुत अच्छा माहौल है, छिड़काव उड़काव हो गई है और बर्ड्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून में हैं। तो यही चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, जिसमें मैंने ये कोशिश की है थोड़ी सी, और ये आप मुझे बताइएगा ये कोशिश आपको कैसी लगी। मैंने आपको बताया था बजट इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हुआ मेरा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ईंटों और उसका ओसारी का काम करवा रहा था वो ज़्यादा मुझे बहुत महंगा लग रहा था। तो और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हॉरिजेंटल में और यहाँ मैंने वर्टिकल में, दो मैंने हॉरिजेंटल में लगा के उसके साथ ये वाले फट्टे सीधे सीधे खड़े करके बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा था बीच में, तो यहाँ पर मेरे पास एक बैनर पड़ा हुआ था रैगजीन का, उसको मैंने इस यहाँ पर लगा दिया है ताकि यहाँ से धूप वगैरह एंटर ना हो सके। तो ये भी बहुत अच्छा कवर हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पर ये जाली अगर आपको नज़र आ रही है तो यहाँ पर जाली लगी हुई है, ये देखिए ठीक हो गया, ये जाली लगाई है यहाँ पर, ये यहाँ तक है जहाँ पर ये तिरपाल बंधी हुई है। अब एडिशनल मुझे ये करना है आगे का काम कि ये तिरपाल यहाँ ऊपर गाटर की तरफ चलेगी इतनी ऊपर, और यहाँ से भी एरिया खुला हुआ होगा और यहाँ से भी एरिया खुला हुआ होगा, हवा के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एग्जास्ट लगाया हुआ है सामने, जब ये एग्जास्ट चलेगा तो यहाँ से बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो जाएगी। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुझे अभी दरवाज़ा बनाना है, वो वाला काम रह गया है। रमज़ान में आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा और जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें भी एक लिमिटेड मैं टाइम में काम कर सकता हूँ, क्योंकि रमज़ान की वजह से, रोज़े की वजह से बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, इसी वजह से थोड़ा सा सेलेक्टिव काम कर रहा हूँ और उसमें इतना ही हो पा रहा है जो आपके सामने है। इसके साथ ही मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि गुज़िश्ता दिनों जो यहाँ पर तूफ़ान आया उससे जो दरख्त टूट गया था, मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा दरख्त टूट गया है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की हालत ये देखिए। यहाँ से जो तना लगा हुआ था, तना पूरा का पूरा ऐसे गिर गया, और यहाँ से गिर के वो तना यहाँ पर हमारी छत पर आ गया था और पूरा वज़न यहाँ पर छत पे आ गया था, तो ये बड़ा ख़तरनाक काम था। इस वजह से आज मैंने पूरा दरख्त जो इस तरफ तना आ गया था उसको मैंने पूरा कटवाया है, और उससे मैंने ये लकड़ियाँ शकड़ियाँ निकलवाई हैं, अगर आपको रखी हुई नज़र आ रही हैं तो ये लकड़ियाँ निकलवाई हैं जो अभी काबिल इस्तेमाल आएंगी हमारे बहुत सारे कामों में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन लकड़ियों को किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, और आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से इन लकड़ियों का इस्तेमाल करूंगा और आपको बताता रहूंगा। इसके साथ ही एक यहाँ पर टहनी निकली थी, ये मुझे किसी ने कहा जिसने काटा है दरख्त, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने बताया कि ये आप सर लगा दें और ये ऐसे ही उग जाएगा, मतलब फूट जाएगा ये ज़मीन में, तो मैंने ये ऐसे ही जुगाड़ करके फ़िलहाल इसको ऐसे ही गाड़ दिया है। आप लोग ज़रा गाइड करिएगा जो भी दरख्त लगाने के शौकीन हैं कि ये इस तरह उग जाएगा या इसके साथ एडिशनल मुझे कुछ करना है, तो अगर कोई मशवरा दे सके तो प्लीज़ काइंडली इसके लिए मुझे मशवरा दीजिएगा। फ़िलहाल मैंने ये लगा दिया है, अगर आपका मशवरा टाइमली आ गया तो मैं इंशाल्लाह भी इसके अंदर अमेंडमेंट कर लूँगा। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, यहाँ पर ये वाला केज रखा हुआ है पिंजरा, एक मुर्गे को यहाँ पर मैंने बंद किया हुआ है, इसके अलावा एक मुर्गे को यहाँ पर बंद किया हुआ है। वो वाला पिंजरा आपको याद होगा कि वो मैंने बाहर रखा हुआ था, लेकिन अब वो तना कट गया है, जाहिर सी बात है उससे बहुत ज़्यादा छांव थी,
और अब वहाँ पर इतनी ज़्यादा छाँव नहीं रही पीछे की तरफ, तो ये पिंजरा मैं यहाँ ले आया हूँ। और वहाँ पर तो मैं काम चला रहा था जैसे तैसे करके, लेकिन यहाँ पर इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ अभी कलर शलर करके और जैसा मैंने आपको कहा था चमचमाचम करना पड़ेगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है दोस्तों, बस ये है कि अल्लाह कामयाब करे, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करनी है। मैं सोच रहा हूँ आप लोग मशवरा दीजिएगा, ये वाला जो मैंने ब्रूडर बनाया हुआ है इस ब्रूडर को मुझे मैं सोच रहा हूँ यहाँ शिफ्ट करूँ, इस पिंजरे को थोड़ा सा इधर करें और ये सारा सेटअप ऐसे बने, नीचे मुर्गियाँ बिठाने का सेटअप बने। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो ईंटें लगी हुई हैं, इनके ईंटों की उस तरफ सारी मिट्टी पड़ी हुई है, इस मिट्टी को मैं यहाँ से निकलवाना चाह रहा हूँ। और मैंने नई मिट्टी मंगवा ली है जिसको रेत कहा जाता है, वारी हम लोग सिंधी में कहते हैं, तो वो रेत जो है वो यहाँ पर मैं डलवाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये जो खेल रहे हैं ये भी इस वक्त बुर्रादा और हल्की फुल्की इसके अंदर मिट्टी है, लेकिन जब इसके अंदर प्योर जब यहाँ पर रेत पड़ जाएगा तो इनके गले खुले हुए हैं और ये जो हाँप रहे हैं इंशाल्लाह इस चीज़ से ये बच जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।